आइसक्रीम इज नाइस बट फ्रूट एंड आइसक्रीम इज नेक्स्ट लेवल गुडनेस. सीताफल दैट इज कस्टर्ड एप्पल इज अ लवली क्रीमी फ्रूट दैट इज कॉमन इन इंडिया एंड व्हेन इन सीजन ग्रेट इंग्रेडिएंट टू ऐड टू और सर्व विद एनी आइसक्रीम. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 बड़े सीताफल लिए हैं और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर मैंने चटनी रख दी है. अब हम स्पून की मदद से सीताफल के पल्प को निकालते जाएंगे और अब हमारे पल्प को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि उसमें से सीड्स जो है वो अलग हो जाएंगे. आई नो ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस है बट एंड रिजल्ट इज अमेजिंग. तो हमारे सीड्स अलग हो चुके हैं और हमारा पल्प अब रेडी है. अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना व्हिपिंग क्रीम. ये ऑलरेडी स्वीटन और नॉन डेयरी वाला व्हिपिंग क्रीम है, उसे हम इलेक्ट्रिक विस्क या फिर हैंड विस्क की मदद से सॉफ्ट पिक आने तक व्हिप कर लेंगे. अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ अमूल का फ्रेश क्रीम, 1 कप जितना लिया है मैंने यहाँ पे. और अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप जितनी पीसी हुई चीनी. चीनी को आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं. और इन दोनों को हम फिर से इलेक्ट्रिक या फिर हैंड विस्क की मदद से अच्छे से व्हिप कर लेंगे. और अब ऐड करेंगे हमारा स्टार इंग्रेडिएंट जो कि है सीताफल का पल्प. यहाँ पे हमने 1 कप जितना पल्प लिया है, इसे हम स्पैचुला की मदद से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे. यहाँ पे हमें विस्क नहीं करना है इसे. तो हमारा आइसक्रीम बेस अब रेडी हो चुका है. इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर देंगे और कंटेनर का लीड भी होना चाहिए ताकि फ्रीज होने के समय आइस क्रिस्टल्स ना बने. और अब हमारे आइसक्रीम बेस को हम इवनली स्प्रेड कर देंगे और इसे हम ढक कर 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट फ्रीज़र में फ्रीज करने के लिए रख देंगे. तो 7 से 8 घंटे के बाद नेक्स्ट डे हमारा कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम रेडी हो चुका है. तो इसे हम स्कूपर की मदद से सर्विंग बाउल में स्कूप आउट कर लेंगे. So, our custard apple ice cream is ready. The delicious, rich and creamy texture of custard apple combined with its inherent sweetness blends very well with ice cream and gives a unique and irresistible flavor to it. And if you like this recipe, then comment below, subscribe to the channel and see you next time.